स्वास्थ्य मंत्री रहते ऐसी उन्होंने व्यवस्था बनाई कि हमारे बक्सर लोकसभा में एक भी अस्पताल नहीं है, एक भी ऐसा अस्पताल नहीं है जहां हमारी माताओं और बहनों और अभिभावकों का इलाज हो सकता है। ये वही सांसद है यहाँ जिनको हमने पिछली बार चुना था और बक्सर का नहीं है, बक्सर से उन्हें कोई दर्द नहीं है, बक्सर के लोगों से उन्हें दर्द नहीं है, इसलिए बक्सर में वो कुछ करना नहीं चाहते हैं, केवल हमसे वोट लेना चाहते हैं और करना चाहते हैं अपने भागलपुर के लिए, अपने भागलपुर के लिए करना चाहते हैं, हमारे बक्सर के लिए कुछ नहीं करना चाहते हैं। तो हम आए हैं कहने कि सोचिए और सोच समझ कर निर्णय लीजिए कि हमें क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। अगर इसी तरह के लोग हमारे सांसद बनते रहेंगे तो हमारे क्षेत्र का विकास कैसे होगा, हमारे घरों का विकास कैसे होगा, और जब हमारे क्षेत्र का हमारे घरों का विकास नहीं होगा तो हमारा बाबा साहब का संविधान, जो बाबा साहब ने जो हमें जो रास्ता बताया था वो रास्ता कैसे पूरा होगा। क्या सरदार पटेल ने इसी तरह की भारत की कल्पना की थी? क्या इसी तरह की भारत की कल्पना की थी सरदार पटेल ने कि हमारा भारत ऐसा ही बनेगा कि एक तरफ बड़ी बड़ी इमारतें और एक तरफ हमें झोपड़ियों में नवाजा जाएगा, हमारे लिए पक्के मकान भी नहीं? तो हम कहना चाहते हैं कि सबसे पहले बक्सर लोकसभा में मिट्टी के मकानों को तोड़ना चाहते हैं और मिट्टी के मकान को तोड़ करके वहां पक्का मकान बनाना चाहते हैं। इसके लिए आपके बीच आए हैं समर्थन के लिए कि आप समर्थन दीजिए, हम उन मिट्टी के मकानों को तोड़कर वहां पक्का मकान बनवाना चाहते हैं और चाहते हैं कि बक्सर लोकसभा में एक भी ऐसा मकान नहीं हो जो मिट्टी का हो, हमारे लोगों को पक्का मकान देना चाहे। समर्थन दीजिए और दे करके देखिए कि आपके बक्सर लोकसभा में बाबू और बाबा का खेल खत्म करके देखिए कि कब तक ये बाबू और बाबा का खेल चलेगा, हमारे क्षेत्रों में हमारा विकास नहीं चलेगा। आज हमारे बगल में जो जलाशय योजना था किसने बंद कराया, इस योजना कौन था मलई बराज को बंद कराने वाला? ये वही व्यक्ति था जो 15 साल सिंचाई मंत्री रहा और हमारा मलई बराज नहीं बन पाया जिसकी वजह से हमारे खेतों में पानी नहीं आता है, और फिर से सांसद बनने के लिए हमारे बीच आ रहा है कि एक बार फिर से मौका दे दीजिए। क्या ऐसे लोगों को मौका देना चाहिए? तो ये एक वो है जो किसानों के पेट पर लात मारा है और एक वो है जो बक्सर के मान और सम्मान, अगर एम्स बनना था उसको बक्सर से भागलपुर रख के गिरवी रखने का काम किया है। ये दोनों वही है जो सामंतवादी व्यवस्था के घोतक है, सामंतवादी व्यवस्था के पर्यायी है और उसी व्यवस्था में बक्सर को ले चलना चाहते हैं। फैसला आपको करना है कि हमें सामंती व्यवस्था चाहिए, हमें मनुवादी व्यवस्था चाहिए या हमें अम्बेडकरवादी व्यवस्था चाहिए। फैसला आपको लेना है कि हमें हमारे टूटे मकानों को तोड़ना है, वहां पक्के मकान बनाना है, या हमें इसी तरह के सामंती व्यवस्था जुमलेबाजों को रखना है जो केवल जुमला देते रहे, जुमला के अलावे कोई काम नहीं कर सके। तो हम कहना चाहते हैं समझिए और समझ बूझ करके निर्णय लीजिए कि आगे आने वाले 19 तारीख को जो मतदान है, इस मतदान में समझ बूझ करके निर्णय लीजिए कि अब कब तक जुमलों की सरकार चलने देंगे, कब तक अपने क्षेत्र से जुमलों को सांसद बनते देखना चाहेंगे। ये जुमले बाज लोग जो हैं सांसद बनेंगे, अभी ये कह रहे हैं कि मैं भी चौकीदार, ये चौकीदार बन गए। बक्सर को लूटने वाला व्यक्ति जो अस्पताल को लाइसेंस देने के लिए लाखों रुपया लेता, सोलर लैंप जैसी योजनाएं जो हमारे यहाँ लगनी चाहिए थी उस योजना को अपने बेटा को दे दिया और उसमें से पैसा लूट लिया, और वो व्यक्ति कह रहा है कि एक बार फिर से आप मौका दे दीजिए। तो हम कहना चाहते हैं कि ये सामंती व्यवस्था के लोग हैं और कभी भी हम सबों को खुश देखना नहीं चाहते हैं। ये लुटेरा है, बक्सर को लूटने वाले हैं, ये बक्सर का अमन चैन बर्बाद करने वाले लोग हैं, हमारी महिलाओं का महिला उत्पीड़न करने वाले लोग हैं,
ये कभी हमारे घर को खुशहाल नहीं देखने वाले लोग। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जो जनतांत्रिक विकास पार्टी का सिलाई मशीन है, 19 तारीख को सिलाई मशीन पर अपना बटन दबाइए और बटन दबाकर जनतांत्रिक विकास पार्टी का जो सिलाई मशीन है उस पर भारी मतों से विजय दिलाइए। शशिकला जो जिसकी सामंतियों ने हत्या करने शर्मसार हो गई, पूरी दुनिया शर्मसार हो गया, लेकिन नेता जो थे वो शर्म जो था, ये रोड की हालात क्या थी आप नहीं जानते हैं कि कोई इंसानियत से जोड़ो इसी आशा विश्वास के साथ में कि आप 19 तारीख को आप सिलाई उनके बने आवाज को उठाने के लिए इन्होंने जो संघर्ष किया, ऐसे संघर्ष करने वाले जो बक्सर लोकसभा के जो प्रत्याशी बने हैं, ऐसे व्यक्ति को आप लोगों को जो इनको वोट देने का काम नहीं किया, इनके साथ बाकी जो लोग आ गया इनको कभी भी वोट नहीं दिया, क्योंकि कभी भी यह जो We'll be right back.